कल्याण मंदिर स्तोत्र का 38वां श्लोक। जैन संस्कृति के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में आचार्य श्री सिद्धसेन प्रभु की भक्ति के लिए शुद्ध भावना की उपयोगिता बता रहे हैं। आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनं न चेतसि मया विध्रतोसि भक्त्या जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम् यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या। हे दीन बंधु, मैंने आपका पवित्र नाम भी सुना, उपासना भी की और अंतर दर्शन भी किए, केवल दिखावे के तौर पर, किंतु भक्ति भाव पूर्वक कभी भी आपको मैंने अपने हृदय में धारण नहीं किया। यही कारण है कि आज मैं अनेकानेक भयंकर दुखों का पात्र बन रहा हूं, क्योंकि भावना रहित क्रियाएं सफल नहीं होती, भाव रहित क्रियाएं फलदायक नहीं होती। देखा सुना और पूजा भी, पर न प्रभो तब ध्यान दिया, भक्ति भाव से हृदय कमल में नहीं आपको स्थान दिया। इसीलिए दुख पात्र बना, अब मिला भक्ति का साधन है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है, शीश झुकाकर वंदन है। कल्याण मंदिर स्तोत्र का 39वां श्लोक। जैन संस्कृति के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में आचार्य श्री सिद्धसेन प्रभु को इंद्रिय विजेता, दीन दयाल, विघ्न विनाशक के रूप में अभिवंदित कर रहे हैं। त्वं नाथ दुखी जन वत्सल हे शरण्य कारुण्य पुण्य वसते वशिनां वरेण्य भक्त्या नते मयि महेश दयां विधाय दुःखांकुरोद्यलन तत्परतां विधेहि। हे दयालु देव, दीन दयाल, शरणागत प्रतिपालक, आप दुखी जीवों के प्रति वत्सल हैं, शरणागतों के प्रतिपालक हैं, करुणा के निधान हैं और जितेंद्रिय पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। हे महेश, भक्ति से नम्रीभूत मुझ पर दया करके मेरे दुख रूप अंकुरों का नाश करने में आप तत्परता कीजिए। हे दयालु शरणागत रक्षक, तुम दुखीजन वत्सल हो, पुण्य प्रभाकर इंद्रिय विजेता, मुझ पर भी अब दया करो। जग के दुखांकुर क्षय में जिनकी भक्ति ही माध्यम है, ऐसी पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है, शीश झुकाकर वंदन है। कल्याण मंदिर स्तोत्र का 40वां श्लोक। जैन संस्कृति के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति में आचार्य श्री सिद्धसेन प्रभु को शरणागत प्रतिपालक के रूप में अभिवंदित कर रहे हैं। निसंख्य सार शरणं शरणं शरण्य मासाद्य सादितरिपु प्रथितावदातं त्वत्
पाद पंकजमपि प्रणिधान वंद्यो वंद्योस्मि चेत भुवन पावन हाहतोस्मि। हे भुवन पावन शरणागत प्रतिपालक, हे प्रभो, आपके चरण कमल अतुल बल के स्थान हैं, दुखित जनों की रक्षा करने वाले हैं, शरणागतों के प्रतिपालक हैं और कर्म शत्रुओं को नष्ट करने के कारण विश्व विख्यात यश वाले हैं। किंतु मैं अभागा रहा, मैंने आपका ध्यान नहीं किया, आपकी भावना पूर्वक सेवा नहीं कर सका, तो मुझ सरीखा अभागा कोई नहीं होगा। हे त्रिभुवन पावन जिनवर, ऐ शरण के भी तुम शरण कम कहें, कर न सके यदि भक्ति तुम्हारी, समझो पुण्य हीन हम हैं, जिनका पुण्य नाम जपने से होता नष्ट विषम ज्वर है, ऐसे पारस प्रभु के पद में शीश झुकाकर वंदन है, शीश झुकाकर वंदन है।